अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टोपोलॉजी किसी भी एंटी टेस्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम सारी टोपोलॉजी को सिर्फ 20 एमसीक्यू में इसका क्विक रिव्यू करेंगे। किसी भी किस्म के एंटी टेस्ट के लिए आप 20 एमसीक्यू में एमएससी लेवल के सारी टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 20 एमसीक्यू में टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। ये टोटल 20 ही टॉपिक हैं, आए इनका क्विक रिव्यू करते हैं। पहला सवाल है, थ्री एलिमेंट सेट से रिलेटेड है, देन विच ऑफ द इज अ टोपोलॉजी ऑन दिस सेट। हमें पता है इसमें टोटल 8 मेंबर होते हैं, ये सारे इसके सबसेट हैं। अब टोपोलॉजी होने के लिए एम्प्टी सेट और फुल स्पेस तो आनी चाहिए, सो तीनों ऑप्शन में एम्प्टी सेट और फुल स्पेस है। इसके अलावा हमारे पास यूनियन ऑफ एनी टू सेट और इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट होनी चाहिए। पहली ऑप्शन क्लियरली टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें तीसरा सेट सी है, उसके एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन यूनियन लेंगे तो वो भी इसी का मेंबर होगा, और फुल स्पेस के साथ लेंगे तो वो ये दोबारा ही आ जाएगा, वो भी इसी का मेंबर होगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, टार टू को, इसमें एम्प्टी सेट और फुल स्पेस के अलावा तीन मेंबर्स हैं, उनकी अगर यूनियन देखें तो हमारे पास ए बी आता है, ए बी जो दोबारा उसी सेट में शामिल है। इसके अलावा हमें इनकी इंटरसेक्शन भी देखनी है, सो इंटरसेक्शन भी अगर देखें वो भी दोबारा टार टू में ही आ जाती है, सो ऑप्शन बी टोपोलॉजी है। ऑप्शन सी को इसी तरह देख लेते हैं, ये यूनियन है, यूनियन दोबारा टार थ्री का मेंबर ही बन रहा है, और इंटरसेक्शन देखें ये भी टार थ्री का मेंबर ही बन रहा है, सो इसमें ये भी टोपोलॉजी है हमारे पास, सो सारी ही टोपोलॉजी है, सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन टू, लेट एक्स, फिर थ्री एलिमेंट है, ये टोपोलॉजी की बने, बी आर टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट क्लोज्ड इन एक्स। अब हमने देखना कौन सा क्लोज नहीं है। क्लोज सेट हमें पता है जो जिसका कम्प्लीमेंट ओपन हो, सो इन सेट के कम्प्लीमेंट देख लेते हैं। हमारे पास 5 मेंबर हैं टा में, सो एम्प्टी सेट का एक्स है, एक्स ई का फुल स्पेस का एम्प्टी सेट आ जाएगा, ए का कम्प्लीमेंट बी सी है, सो ऑप्शन ए आ जाएगी, ये क्लोज सेट है। बी का कम्प्लीमेंट ए सी है, सो ऑप्शन सी भी आ गई, ये भी क्लोज सेट है। ए बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास सी है, सो ऑप्शन बी, सो सारे ही क्लोज सेट हैं इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। लेट एक्स टा बी अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस फॉर टोपोलॉजी टा। डिस्क्रीट स्पेस है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, थ्री एलिमेंट सेट, सो ये डिस्क्रीट स्पेस है हमारे पास। बेस होती है कि उस स्पेस के सारे ही एलिमेंट को, सारे ही सेट को उस कलेक्शन के सेट की यूनियन के तौर पे लिखा जा सके, सो उसको बेस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सिंगलटन होते हैं, इनको चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास 8 मेंबर हैं एम्प्टी सेट और एक्स के अलावा 6 मेंबर रह गए, ए को ए की यूनियन, बी की यूनियन, सी की यूनियन, इस तरह ए बी को इन दो सिंगलटन की यूनियन के तौर पर लिखा जा सकता है, ए सी सेट को इन दोनों सिंगलटन की, और बी सी को बी यूनियन सी, और ए बी सी फुल स्पेस को फिर सिंगलटन की यूनियन में लिखा जा सकता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि सिंगलटन किसी भी डिस्क्रीट स्पेस के लिए जो सिंगलटन की कलेक्शन होती है वही उसकी बेस होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इफ एवरी ओपन कवर हैज अ काउंटेबल सब कवर देन एक्स्ट्रा इज कॉल्ड सेपरेबल काउंटेबल स्पेस, लिंडलॉफ स्पेस और कैटेगरी। टोपोलॉजी में काउंटेबल स्पेस नहीं होती, फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल स्पेस होती है, सो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गई। इसी तरह कैटेगरी नहीं होती, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी होती है, ये इंड्यूस्ड टॉपिक है मीटिक स्पेस से, इनको मीटिक स्पेस में स्टडी किया जा सकता है। अब सेपरेबल और लिंडलॉफ स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेपरेबल स्पेस होती है, टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड सेपरेबल इफ इट कंटेन अ काउंटेबल डेंस सबसेट, जैसा कि आर है, आर सेपरेबल स्पेस है, सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये काउंटेबल डेंस तो नहीं है, सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी। लिंडलॉफ स्पेस की ये डेफिनेशन है, लिंडलॉफ इफ एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। लेट एक्स वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, x with tar and y with tar 2, a function is continuous if, अब हमने देखना है ये फंक्शन की ऑप्शन है, इसमें से
कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सी ऑप्शन कंटिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। कंटिन्यूअस के लिए दो टोपोलॉजिकल स्पेस के दरमियान अगर किसी भी ओपन सेट का प्री इमेज ओपन सेट ही हो तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसी तरह क्लोज सेट का प्री इमेज क्लोज सेट हो तो वो कंटिन्यूअस ही होता है। अगर आप रेंज सेट देखें वाई टोपोलॉजी है उसमें तीन मेंबर हैं, सो सबसे क्रूशल है सिंगलटन, सिंगलटन वन इज अ ओपन सेट। सो अब आप देखें वन का प्री इमेज क्या है इन चारों ऑप्शन में, पहली ऑप्शन में टू है, दूसरी ऑप्शन में थ्री है इमेज, उसका प्री इमेज बी बन रहा है, इस ऑप्शन में वन है, वन ऑप्शन सी में ही है, ओके इसमें ये ओपन सेट है इनको देखना है, वन ऑप्शन सी में अगर देखें प्री इमेज बी बन रहा है, और बी को अगर आप टा वन में देखें वो ओपन सेट है, सो इसका मतलब प्री इमेज ओपन सेट ही बन रहा है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सो फंक्शन इसमें ऑप्शन सी है, बल्कि इसका इनवर्स फंक्शन भी लेंगे वो भी कंटिन्यूअस आएगा, ये होमियोमॉर्फ फिजम है, ये दोनों स्पेस होमियोमॉर्फिक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टी नॉट स्पेस, हमारे पास तीन ऑप्शन है, टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन देख लें, किसी भी दो एलिमेंट के लिए उस स्पेस के अगर वो टी नॉट है हमें एक ओपन कवर ढूंढना है जो कम से कम एक को कंटेन करे लेकिन दूसरे को ना करे। सो पहली स्पेस को देख लेते हैं ऑप्शन ए में, इसमें ये तीन पेयर बनेंगे और इन तीनों पेयर के लिए इस टोपोलॉजी में हमारे पास ओपन सेट हैं जो किसी एक को कंटेन कर रहा है दूसरे को नहीं कंटेन कर रहा, ए बी के केस में सिंगलटन ए, ए सी के केस में सिंगलटन ए, और बी सी के केस में ए बी जो ओपन सेट है, तो ये टी नॉट स्पेस है। इसी तरह ऑप्शन बी को देख लेते हैं टा टू को, फिर तीन पेयर हैं, ए बी के केस में ये है हमारे पास अभी तक ये टी नॉट स्पेस है, ए सी के केस में फिर ये आ जाएगा, बी सी के केस में हमारे पास ए सी है, तो ये भी टी नॉट स्पेस है। इसी स्पेस को देख लेते हैं, इसमें ए बी के केस में हमारे पास यह आ जाएगा, इसमें दो ही एलिमेंट हैं सो सिर्फ ये केस हमें चेक करना पड़ेगा, ये भी टी नॉट है, सो सारी ही टी नॉट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टी वन स्पेस, अब टी वन को देखना है, तीन स्पेस है हमारे पास, टी वन फर्दर रिस्ट्रिक्शन है टी नॉट पे, इसको हाजडाफ स्पेस भी कहते हैं, कि किसी भी दो एलिमेंट के लिए हमारे पास दो ओपन सेट अब होने चाहिए, एक एक को एलिमेंट को कंटेन कर ले दूसरा दूसरे को कंटेन कर ले, इन सबको सेपरेशन एग्जम कहते हैं, टी नॉट से लेकर टी फोर तक, बाज बुक्स में टी सिक्स तक भी है। सो ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, इसमें ये पेयर है सो हमें दो ओपन सेट मिल गए हैं, ए ए को कंटेन करेगा और बी ए बी को कंटेंड करेगा, इसी तरह ए है वो ए को कंटेंड कर लेगा और बी एक्स को, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दूसरे एलिमेंट को उसमें नहीं होना चाहिए, सो इस ए बी पेयर के लिए हमारे पास टा वन में ऐसे दो सेपरेट ओपन सेट नहीं हैं, यही दो केसेस हैं लेकिन उसमें ए आ जाता है तो ये टी वन स्पेस नहीं है। दूसरी टा टू को देख लेते हैं, इसमें ए बी के केस में हमारे पास फिर ए की चॉइस है, ए को तो कंटेन कर लेगा लेकिन बी को फुल स्पेस फिर कंटेन करेगी और फुल स्पेस में ए दोबारा है तो ये भी टी वन स्पेस नहीं है। इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारे पास ए की पेयर है और इसमें ए को ए कंटेन कर लेगा बी को बी कंटेन कर लेगा सो ये सेपरेट हो जाएंगे, सो ये टी वन स्पेस है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टी टू स्पेस, टी टू को उसी तरह देखते हैं, टी टू की डेफिनेशन फर्दर रिस्ट्रिक्शन है टी वन पे, अब हमारे पास दो सेपरेट ओपन सेट होने चाहिए और वो डिसज्वाइंट भी होने चाहिए, टी वन में डिसज्वाइंट की कंडीशन नहीं थी। ओके अब देख लेते हैं डिस्क्रीट स्पेस, एटलीस्ट टू पॉइंट ये टी टू होती है, इसमें आपको सिंगलटन मिल जाएंगे जो डिसज्वाइंट होते हैं वो कंटेन कर लें, ये तीन केस देख लें सारे सिंगलटन मिल जाएंगे, तो ये टी टू स्पेस होती है डिस्क्रीट स्पेस, डिस्क्रीट बल्कि टी फोर स्पेस भी होती है।
दूसरी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, टा वन को। इसमें ए बी के लिए नहीं, हमें ए मिल रहा है लेकिन बी के लिए सिर्फ फुल स्पेस है, जैसे कि पिछली एग्जांपल में थी। तो ये डिसजॉइंट नहीं है, सो ये टी टू स्पेस नहीं है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, ये ए बी के लिए ए की पेयर है जिसे हमें चेक करना है, सो हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं जो कंटेन कर लेंगे, ये डिसजॉइंट है और ये टी टू स्पेस है। सो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। अब हमने रेगुलर स्पेस देखनी है, फर्दर कंडीशन ऑन टी टू स्पेस। टी टू से आगे कंडीशन है, अब इसमें हमारे पास एक एलिमेंट और एक क्लोज सेट है, उनके दरमियान सेपरेशन एग्जम को हमने देखना है। दो हमारे ओपन सेट मिले और दोनों डिसजॉइंट हो, एक को ए को कंटेन करे और फिर सेट को दूसरा कंटेन करे। अब डिस्क्रीट स्पेस आपको बताया था ये रेगुलर स्पेस होती है, इसमें सारा कुछ हमें मिल जाएगा, इसको देख लेते हैं। इसमें क्लोज सेट देखें तो हमारे पास ये तीन क्लोज सेट हैं टा वन के अकॉर्डिंग। अब हम पेयर बना के देख लेते हैं, अगर हम एक एलिमेंट लें जो दूसरा बी हमारे पास क्लोज सेट है, ए को ए कंटेन करेगा, बी को फिर फुल स्पेस ही कर सकती है, लेकिन हमें तो डिसजॉइंट चाहिए तो इसमें डिसजॉइंट नहीं मिलेगा, सो ये डिसजॉइंट नहीं है। सो इसका मतलब ये रेगुलर स्पेस नहीं है। इस स्पेस को देख लेते हैं, इसमें हमारे पास क्लोज सेट सिर्फ बी है और इसके साथ अगर हम पेयर बनाएं, ये एक ही पेयर बनेगा, सो ए को ओपन सेट कंटेन करेगा, बी को लेकिन फुल स्पेस कंटेन करेगी, ये भी रेगुलर स्पेस नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टी थ्री स्पेस। अब हमने टी थ्री स्पेस को देखना, टी थ्री फर्दर कंडीशन है रेगुलर टी वन स्पेस हो और वो साथ टी वन भी हो रेगुलर होने के साथ। रेगुलर में हम सेपरेट करते हैं एक एलिमेंट और क्लोज सेट को जो उसमें कंटेन नहीं होता। टी वन में एटलीस्ट हमें ओपन सेट चाहिए जो किसी एक को कंटेन्ड कर ले, दूसरे को कंटेन्ड ना करे। सो डिस्क्रीट आपको बात है टी फोर तक होती है, टी थ्री स्पेस है। इस स्पेस को देख लेते हैं, इसमें अब हमारे पास क्लोज सेट ये दोनों हैं। अब अगर हम पेयर बनाएं क्लोज सेट के साथ बी को पेयर बनाएं तो हमारे पास हैं ये रेगुलर स्पेस है। अभी हम रेगुलरिटी चेक कर रहे हैं, इसमें ए को ये कंटेन कर लेगा, बी इसमें चला जाएगा और ये डिसजॉइंट है। फिर क्लोज सेट के साथ अगर हम ये पेयर बनाएं तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है रेगुलरिटी को और हमारे पास ये पेयर बनेगा तीसरा। सो ये रेगुलर स्पेस है। अब देखते हैं ये टी वन स्पेस है या नहीं। सो ए बी अगर हम लें, ए को ए कंटेन करेगा, ये पेयर गया, ए सी के अकॉर्डिंग भी हमें मिल गया, ये टी वन स्पेस है। लेकिन बी सी के अकॉर्डिंग बी इसमें जाएगा लेकिन सी भी इसमें है, सो ये पॉसिबल नहीं है, ये रेगुलर स्पेस है, टी वन नहीं है, तो ये टी थ्री स्पेस नहीं है। आखिरी स्पेस को देख लेते हैं टा टू को, इसमें क्लोज सेट ये है। अब इसमें अगर हम पेयर बनाए, पहले भी चेक किया था, ये रेगुलर स्पेस ही नहीं है क्योंकि हमें डिसजॉइंट ओपन सेट नहीं मिल रहे जो क्लोज सेट को कंटेन करें और एलिमेंट को भी। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये है, अब हमने देखना है एक्स क्या है। ऐसा सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया है ओल्ड एग्जाम में। इसमें अगर ऑर्डर देखें तो ये एक और कंडीशन है रेगुलर नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन ये होती है कि हमें किसी भी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट के लिए सेपरेट ओपन सेट ढूंढने हैं, डिसजॉइंट जो एक एक को कंटेन कर ले। इसको चेक कर लेते हैं। अब क्लोज सेट देखें, ये हमारे पास पांच हैं। अगर हम डिसजॉइंट सबसेट बनाएं सो ये चार बनेंगे एम्प्टी सेट के साथ, और बाकी अगर बनाएंगे तो हमारे पास वो सारे नॉट डिसजॉइंट होंगे। ये देख लें आप, ये सारे नॉट डिसजॉइंट हैं, तो हमें डिसजॉइंट को बस चेक करना है। और एम्प्टी सेट के लिए तो ईजी है, सो एम्प्टी सेट में चला जाएगा टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग और दूसरे को फुल स्पेस कंटेन कर लेगी और दोनों डिसजॉइंट हैं। इसी तरह इस केस में भी और आखिरी केस में भी, तो ये नॉर्मल स्पेस है।
ये टी टू भी है, रेगुलर भी है, टी वन भी है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल स्पेस है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें हमने देखना टी फोर स्पेस। अब टी फोर स्पेस क्या होती है, नॉर्मल से भी आगे कंडीशन लगाएं सो टी फोर स्पेस बन जाती है। सो ये टी वन के नॉर्मल होगी और टी वन होगी तो ये टी फोर स्पेस बनेगी। अब अभी हमने देखा था ये वही टोपोलॉजी है पिछले एग्जांपल वाली। ये नॉर्मल है, इसको दोबारा चेक कर लें, ये डिसजॉइंट है, ये सारे नॉन डिसजॉइंट है, चेक करें इनको कंटेन करते हैं। सो ये नॉर्मल तो है। अब टी फोर जैसा कि बताया नॉर्मल टी वन स्पेस। अब हमारे पास तीन एलिमेंट हैं तो तीन पेयर बनते हैं और तीनों पेयर के लिए हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट टोपोलॉजी में मौजूद है जो किसी एक को कंटेन कर ले, दूसरे को ना कंटेन करे। तो ये टी फोर स्पेस है, ये सारी है, टी वन है, टी टू है, नॉर्मल भी और टी फोर भी है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज, ऑल सब सेट्स आर क्लोपन, द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, नॉर्मल स्पेस ऑल। सो पावर सेट से जो टोपोलॉजी बनती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनती है। ये ब्यूटीफुल एग्जांपल है, ये सारे एग्जाम को, सेपरेशन एग्जाम को सेटिस्फाई कर जाती है। और इसमें सारे ही सबसेट ये हमने देखे हैं आ जाते हैं, तो उनके कंप्लीमेंट भी आ जाते हैं, तो सारे सेट ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। और ये भी हमारे पास रिजल्ट है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, फाइनर टोपोलॉजी होती है। और अभी हमने चेक किया डिस्क्रीट टोपोलॉजी नॉर्मल स्पेस भी होती है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, सारा कुछ ही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज ट्रू फॉर फॉलोइंग टोपोलॉजीज ऑन एक्स। टी टू इज फाइनर देन टी वन, टी वन इज वीकर और स्ट्रॉन्गर, टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। सो इसमें आप देखें ये हमारे पास है कि अगर एक टोपोलॉजी के सारे ही मेंबर दूसरे में शामिल हों तो जो बड़ी टोपोलॉजी होती है वो भी स्ट्रॉन्गर हो जाती है और छोटी फाइनर हो जाती है। इसमें अगर आप क्लियरली देखें टी टू के सारे मेंबर टी थ्री में शामिल हैं, सो टी थ्री फाइनर है, टी टू वीकर है, टी वन की कोई रिलेशन नहीं है। सो ऑप्शन ए जो है टी टू इज फाइनर देन टी वन रॉन्ग है। ऑप्शन बी टी वन इज फाइनर देन, ये भी रॉन्ग है। टी वन इज फाइनर देन टी टू, ये भी रॉन्ग है, सारी स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। टी थ्री फाइनर देन टी टू है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये हमारे पास टोपोलॉजी है, इसमें ये सेट है, इसका इंटीरियर हमने देखना है। इंटीरियर की डेफिनेशन हमें एक ओपन सेट, इट इज एन ओपन सेट सच दैट वो मेंबर उसमें आ जाए और ओपन सेट सारे का सारा उस सेट में का सबसेट हो, तो वो इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। अब इस सेट को हम देख लेते हैं, तीन मेंबर हैं, तीनों मेंबर को बारी बारी देख लेते हैं। ए के लिए अगर आप देखें ओपन सेट जो ए को कंटेन करते हैं, वो हमारे पास ये एक दो तीन चार ओपन सेट हैं। इसमें से अब कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो सारे का सारा सेट में का सबसेट, ए सेट का सबसेट हो। सो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकती, ये इंटीरियर पॉइंट ही नहीं है। बी को अगर देखें, इसमें हमारे पास ये तीन ओपन सेट हैं टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसमें ये जो ओपन सेट बी है ये कंटेंड है सेट में, तो बी इंटीरियर पॉइंट है। सी को देख लेते हैं, सी के लिए हमारे पास दो ये ओपन सेट हैं, ये कोई भी इनमें से सबसेट नहीं है ए का, तो सी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगी। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब वही टोपोलॉजी है, अब हमें एक्सटीरियर पॉइंट देखना है। एक्सटीरियर होता है जो कंप्लीमेंट का इंटीरियर हो। सो इस सेट का अगर ये सेट डिफरेंट है, इसका अगर इंटीरियर बनाए कंप्लीमेंट का, तो हमारे पास ये सेट बन जाता है ए बी डी। अब इसमें तीन मेंबर हैं, इसको हम देख लेते हैं। ए को ओपन सेट ये कंटेन करते हैं, अब इसमें से ये सेट ए डी और ए बी डी ये ए को कंटेन करते हैं और ये ए कंप्लीमेंट में भी शामिल हैं। सो हमें तो एक ही सेट चाहिए था, तो ये इंटीरियर पॉइंट है, ए इंटीरियर पॉइंट है। बी को देख लेते हैं, ये दो तीन मेंबर हैं जो कंटेन करते हैं, इसमें से ए बी डी और बी ये सबसेट हैं, सो बी भी इंटीरियर पॉइंट हो गया कंप्लीमेंट का। अब डी को देख लेते हैं, डी को ये चार सेट हैं, इसमें से ये और पहले दो सेट जो हैं ये सबसेट हैं इसके, तो ये भी इंटीरियर पॉइंट होगा कंप्लीमेंट का। इसका मतलब ये एक्सटीरियर पॉइंट है सेट ए जो सी ई है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसमें तीनों ही मेंबर आएंगे।
टोपोलॉजी का सब यूजुअल टोपोलॉजी मेट्राइजेज मीट्रिक से जनरेट होती है। ए इज अ लिमिट पॉइंट। अब हमने देखना लिमिट पॉइंट किसका है। लिमिट पॉइंट के लिए हमें ओपन सेट चाहिए जो इसको कंटेन करे, फिर इंटरसेक्शन लें फुल सेट के साथ, उस सेट एलिमेंट को निकालने के बाद वो नॉन एम्प्टी हो, कोई और भी मेंबर होना चाहिए। यूजुअल टोपोलॉजी इन रियल लाइन। ये अगर हम ए को देखना है, ए को अगर हम यहाँ पे रखें, अब इसको हमने देखना है कि इसका ओपन सेट क्या है। ओपन सेट बनाने के लिए हमें इंटरवल चाहिए, ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं रियल लाइन पे। सो किसी भी अगर हम रेडियस का एप्सिलॉन स्मॉल, छोटे से छोटे रेडियस का भी ओपन सेट बनाएं, सो आप देखें अगर सिंगलटन ए सेट हम लें और एलिमेंट निकाल दें तो वो एम्प्टी, वो और एलिमेंट को कंटेन नहीं करता, सो ऑप्शन ए नहीं होगी। इसी तरह ऑप्शन बी भी नहीं है क्लियरली, क्योंकि बी का फासला ए से काफ़ी होगा, हमें नहीं पता बी किस कहाँ पे है, कितने भी फासले पे हो सकता है, एप्सिलॉन रेडियस पे नहीं है। अगर तो एप्सिलॉन रेडियस है तब हो सकता है, लेकिन एप्सिलॉन रेडियस पे नहीं है, सो ये भी नहीं आएगा। हाँ अगर इंटरवल हो ए बी तब ये एलिमेंट आएगा कितने भी फासले पे हो, बल्कि कोई भी इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल हो, सेमी ओपन हो, तो तब एक पॉइंट जो है सिंगलटन पॉइंट व लिमिट पॉइंट हो सकता है। सो ऑप्शन सी और डी आर करेक्ट। अब ये हमारे पास स्पेस है और फिर हमारे पास एक सबसेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन सबसेट। सबसे पहले तो हमने देखना है कि वाई जो तीन एलिमेंट वाला सेट है उस पर टोपोलॉजी कौन सी है। पहली ऑप्शन देखें, ये टोपोलॉजी ही नहीं है, बाद में बात आएगी रिलेटिव टोपोलॉजी की, क्योंकि सिंगलटन ए और सिंगल बी की यूनियन ही इसमें शामिल नहीं है, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और ये टोपोलॉजी है। यूनियन अगर आप लेंगे सो फुल स्पेस आ जाएगी वाई, और अगर इंटरसेक्शन लेंगे एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हमने रिलेटिव टोपोलॉजी देखना है। रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए के जो वाई के टोपोलॉजी वाई के मेंबर हैं उनकी अगर हम इंटरसेक्शन लें किसी एक सेट जो एक्स के टोपोलॉजी के मेंबर हैं, सो तब वो बनने चाहिए, तब वो रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी। ऑप्शन बी को, ए तो नहीं, ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन बी में अगर आप सिंगलटन ए लें और वाई यहाँ पे फुल स्पेस रखें ए बी डी, सो आप कोई भी मेंबर एक्स की टोपोलॉजी में से रख ही नहीं सकते, इसको फिल ही नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये रिलेटिव टोपोलॉजी नहीं है, ये वैसे टोपोलॉजी है ऑप्शन बी, लेकिन ये रिलेटिव टोपोलॉजी नहीं है एक्स की। सो ये ऑप्शन गई, ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। सी में चार मेंबर हैं एम्प्टी सेट को, हम एम्प्टी के साथ रख सकते हैं, ये रिलेटिव हो गया। सिंगलटन बी को अगर टोपोलॉजी टा देखें वहाँ से बी रखा जा सकता है, ये बी सेटिस्फाई कर गया रिलेटिवनेस। ए डी को देखें, ये भी ए डी के साथ ओपन सेट जो टा से है ये भी सेटिस्फाई कर गया और वाई भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, वो रिलेटिव टोपोलॉजी है एक्स की। अ सेट एक्स इज क्लोज एंड बाउंडेड इफ एक्स इज, इनबोरल थ्योरम अगर देखें, फेमस थ्योरम है, क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ द यूक्लिडियन स्पेस आर कम्पैक्ट। और जो सेट कम्पैक्ट होता है वो क्लोज भी होता है और बाउंडेड भी होता है, तो हम क्लोज और बाउंडेड को देख रहे हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, कम्पैक्ट सबसेट ऑफ, ये भी यूक्लिडियन स्पेस है। और ऑप्शन बी में देखें 0 1, ये क्लोज सेट है और बाउंडेड भी है, क्लोज इंटरवल है, सो ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी, ये भी कम्पैक्ट सेट जो होता है क्लोज और बाउंडेड होता है किसी भी यूक्लिडियन स्पेस का, आर भी यूक्लिडियन स्पेस है, सो ऑप्शन डी सारे ही क्लोज एंड बाउंडेड हैं, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज कनेक्टेड। अब हमने कनेक्टेड स्पेस देखनी है। कनेक्टेड स्पेस होती है कि आपको कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ना मिले जिनकी यूनियन में स्पेस को लिखा जा सके। अगर आप इसको देखें डिस्क्रीट स्पेस, इसमें हमारे पास स्टार में दो ही मेंबर हैं ओपन सेट हैं, सो इन दोनों से आप स्पेस को यूनियन के तौर पे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है, सो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये कनेक्टेड है। एम्प्टी सेट और एक्स जो है ये डिसजॉइंट नहीं है, लिखे तो जा सकते हैं।
और बी ऑप्शन देखें तो ये फाइनाइट सेट पे जो कोफाइनाइट स्पेस बनती है वो डिस्क्रीट स्पेस ही होती है। डिस्क्रीट स्पेस जो होती है वो कनेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि सिंगलटन की यूनियन में फुल स्पेस को लिखा जा सकता है। और आर स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी अपने ओपन सेट की यूनियन के तौर पर लिखा जा सकता है, कनेक्टेड नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये थे 20 MCQ जिसमें आप सारी टोपोलॉजी का क्विक रिव्यू कर सकते हैं, अपनी फिंगर टिप्स पे याद रख सकते हैं, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और किसी भी एंटी टेस्ट को आप टोपोलॉजी के सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं 20 MCQ में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।